Take your seats. Get excited. Get ready now because we have a very powerful training session now. Are you excited? Yeah. So we have a very powerful speaker with us. 1994 से वो trainings में हैं, skill development में हैं और वो बोलते हैं कि talent से ज़्यादा attitude काम करता है, right? Talent से ज़्यादा attitude काम करता है. 1994 से, तो आप मानिए 25 साल से वो training के इस क्षेत्र में, field में लाखों लोगों को training दे चुके हैं. मैं उनका प्रोफाइल पढ़ रहा था, इंडिया, अमेरिका, थाईलैंड, इन सब जगहों पे, नेपाल, ही हैज डन द ट्रेनिंग एंड वी आर प्रिविलेज टुडे टू हैव विद अस मिस्टर राजेश अग्रवाल. राइट, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राजेश अग्रवाल. बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज, डायरेक्ट सेलिंग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राजेश अग्रवाल. वेलकम राजेश जी. हम सफ़र हमराज है, आप सबका साथ है, उसका आशीर्वाद है तो डर की क्या बात है. सात सुरों का साज है, दिलकशी मिजाज है और आप दे दे तालियां तो इस तरफ आवाज है. शुक्रिया, मेहरबानी, सलामत रहे आपकी जवानी. मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस मंच पे एक शख्स ने वो काम किया है जो आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया. तालियां बचा के रखिए, मेरा टाइमर चल रहा है, मेरे हाथ में 29 मिनट है. तालियां बचा के रखिए, मैं टाइम के मामले में बहुत कॉन्शियस रहता हूं, टाइमर चल रहा है. मुझे खुशी है उस इंसान ने एक बड़ा काम ये किया. हम कितने इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितने बड़े सुपरस्टार है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो ये मंच पर लाया वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है. और उस व्यक्ति के लिए दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, इन सब से मिला के जोरदार तालियां, जिसका नाम सुरेंद्र बस है. जोरदार तालियां सुरेंद्र बस. बैठ जाइए मित्रों. 26 साल से मैं ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूं. उंगलियों पे काम कर सकता हूं कितने लीडर आए, कितने चले गए, कितनी कंपनी आए, कितनी चले गए. उनकी स्थिति कुछ इस तरीके से है. हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा. मैं आपको बताऊंगा 5 साल के अंदर कौन कौन से लीडर जाने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा 5 साल के अंदर कौन कौन से लीडर और भी सफल होने वाले हैं. नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सुपरस्टार का बिजनेस नहीं है, सेलिब्रिटी का बिजनेस नहीं है, लगातार सफल रहने का बिजनेस है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजेश अग्रवाल जैसा बने या ना बने, लेकिन इससे फर्क पड़ता है आप हमसे बेहतर बने. और आप हमसे बेहतर कैसे बने, आज मैं आपको ट्रेनिंग के द्वारा, इस स्लाइड के द्वारा दिखाऊंगा. पीछे स्लाइड चल रही है, ध्यान देखिए. मेरे टॉपिक का नाम है, अगर बड़ी इनकम करनी है तो बड़ा नेटवर्क बनाना है. और आप नोटबुक पे या मोबाइल पे इसको नोट करते जाएं. सबसे पहले आप समझे, 7 काम आपको करने हैं. 26 साल का अनुभव मैं आपको 26 मिनट में देने वाला हूं. 26 साल का अनुभव 26 मिनट में आपको देने वाला हूं. तालियां बचा के रखें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, नोटबुक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है. माफ करें, टेक्नोलॉजी काम करती है लेकिन ह्यूमन टेक्नोलॉजी से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. जो व्यक्ति प्लान नहीं दिखाता, जो लोगों से नहीं मिलता, जो बाहर नहीं निकलता, जो सुपरस्टार बन जाता है, वो आउटडेटेड हो गया है, वो मार्केट से आउट होने वाला है. सबसे पहला काम आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो करना है वो ध्यान दीजिए. अगली स्लाइड पर हम जाएंगे और आप ध्यान दीजिए अगला क्या काम आपको करना है, और ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज,
ध्यान दे उस काम पे। सबसे पहला काम आपको करना है, जमीन पे बने रहिए, अवकाश में ना उड़िए, जमीन पे बने रहिए। अगर आप लोगों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, और अगर आप गुस्सा हो जाते हैं, मुझे फोन करने की हिम्मत तूने क्यों कही, अरे भैया क्या तुम कोई 30 मार खाओ क्या, तुम्हारे नेटवर्क की वजह से तुम्हारे घर में दो रोटी आती हैं, भूल गए इस बंदे को जिसकी वजह से तुम्हारी कमाई होती है। एक बार फोन उठाओ, उससे बात करो, उससे मिलो। दोस्तों शायद मैं हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा ट्रेनर हूं जिसका डायरेक्ट नंबर सारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, डायरेक्ट नंबर अवेलेबल है, मुझे लोग डायरेक्ट फोन करते हैं, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी बनना नहीं चाहता हूं, मैं दुनिया की बेहतरीन बिजनेस में हूं जो 2025 में टॉप गियर पे जाने वाला है, टॉप गियर पे। और इसमें सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता बरकरार रखना बड़ी बात है। आपको नहीं बनना है हमारे जैसा, आपको बनना है हमसे बेहतर। अगर मेरा एक नेटवर्कर अपने घर में दो वक्त की रोटी दे पा रहा है, एक अच्छी गाड़ी ले पा रहा है, माँ बाप की हेल्प कर पा रहा है, किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरी नजर में वही सुपरस्टार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां बैठे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आप जमीन पे रहिए, आकाश में मत उड़िए। सपने बड़े देखिए लेकिन लोगों से मिलिए, बिना लोगों से मिले काम नहीं हो पाएगा। मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो जोर से यस बोलिएगा, और यस बोलने के साथ एक एक्टिविटी मैं कराऊंगा, 24 मिनट मेरे पास बाकी हैं। आपको खड़े होना है और खड़े होकर अपने दाहिने बाएं आगे पीछे लोगों से हाथ मिलाना है, और मिलाने के बाद कहना है आज से मैं और भी साधारण इंसान बनने की कोशिश करूंगा। आपके पास इस काम को करने के लिए 15 सेकंड होंगे, क्या आप तैयार हैं? जाइए फटाफट कीजिए, और म्यूजिक चलेगा। अगली स्लाइड बैठ जाइए जल्दी से। अगर मेरी इस बात पे यहां तक ताली बजाने का मन है तो 10 सेकंड में जल्दी से ताली बजा लीजिए। तालियां बंद करें, समय बचाना है अपने आप को। दुनिया की सबसे छोटी स्पीच मैं आपको देने जा रहा हूं, सबसे छोटी स्पीच, और मेरे पास समय कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। दूसरा है कंपनी का चुनाव, लीडर का चुनाव, मार्केटिंग प्लान का चुनाव, प्रोडक्ट का चुनाव ठीक से कीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी आगे जा सकती है, आपको पता होना चाहिए ये लीडर मेरे साथ काम करेगा कि नहीं, आपको पता होना चाहिए मेरा फोन उठाएगा कि नहीं, आपको पता होना चाहिए इसका मार्केटिंग प्लान में कोई घोटाला तो नहीं है। पूरा रिसर्च कीजिए उसके बाद ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आप बिकते हो, बाद में प्रोडक्ट बिकता है। अगर आपकी मार्केट वैल्यू जीरो हो गई, अगर आप बिल्कुल जीरो हो गए, तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी को भी लेकर जाएं, आपको लोग बाहर फेंक के निकाल देंगे, और जिंदगी में आप दोबारा उनको शक्ल में दिखा नहीं पाएंगे। एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड। फोर्ड की गाड़ियां आपने सुनी होंगी, जोर से हाँ बोलिएगा। फोर्ड ने एक बार बहुत बढ़िया कार लॉन्च की और अपनी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करने के लिए महारानी एलिजाबेथ को बुलाया। जब महारानी एलिजाबेथ वहां पर आई, आने के बाद जब फैक्ट्री देखी तो फोर्ड ने उनसे कहा, मैडम मेरी बड़ी इच्छा है, आई हैव अ डिजायर टू गिव यू अ कार एज अ प्रेजेंट, मैं आपको कार एक प्रेजेंट करना चाहता हूं। महारानी एलिजाबेथ बोली, मेरे पास तो पहले से ही कार मौजूद है, अब मैं क्या करूंगी लेके। उन्होंने कहा, नहीं, अगर आप मेरी कार में बैठेंगी तो मेरी ब्रांड वैल्यू बनेगी। तो उन्होंने कहा महारानी एलिजाबेथ ने, अगर इतनी ही तमन्ना है तो वो जो कार एक पीछे स्पोर्ट्स की कार मैंने देखी है, आप कोशिश करें उसी को तैयार करवा दें। फोर्ड की फैक्ट्री में कार बनने में 20 मिनट का समय लगता है असेंबल होने में। जब कार रेडी हो रही थी, महारानी उसको देख रही थी, और जब कार का इग्निशन ऑन हुआ, थोड़ी देर आगे चली, फिर कार बंद हो गई। पता लगाया जल्दबाजी में इंजन डालना भूल गए। महारानी ने पूछा, अगर इंजन नहीं था तो कार चली कैसे? फोर्ड ने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर जवाब दिया, मार्केट में वैल्यू इतनी अच्छी है कि इंजन ना भी हो तो कार चल जाती है। जो जो लोग मार्केट से आउट होंगे वो वही आउट होंगे जिनकी मार्केट वैल्यू जीरो हो चुकी है, जिनको कोई दरवाजे पे भटकने देना नहीं चाहता है। तो दूसरा पॉइंट है कंपनी का चुनाव, लीडर का चुनाव, प्रोफाइल का चुनाव, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद कंपनी को चुनिए। तीसरा पॉइंट, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे पॉइंट पर आप ध्यान दें, अंडरस्टैंड प्रॉपरली
पूरे गेम को समझिए, ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये कैसे चलता है। दोस्तों ये आईडी लगाने का बिजनेस नहीं है। अगर आपको कोई कहता है भर्ती आईडी लगाओ, भर्ती ज्वाइनिंग कराओ, हम तो डूबे सनम तुम्हें गारंटी से ले डूबे। ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बिजनेस है। इसमें एक रात में आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको अमीर बनने में समय लगता है, और अमीर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर बनते रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 साल इस इंडस्ट्री में टिक गए और आपका पे आउट हर महीना हर साल बढ़ रहा है, तब मैं आपको एक सफल नेटवर्कर मानूंगा, वरना बकवास, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। आप इस बिजनेस को समझिए, प्रॉपर तरीके से समझिए, खुद को एजुकेट कीजिए, अपने को इसके लायक बनाइए, ताकि आप बिजनेस में बरकरार रह सकें। क्योंकि दुनिया का खूबसूरत बिजनेस मॉडल है ये, जहां कोई आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, जहां स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, जहां बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, केवल 2-4-5 प्रोडक्ट यूज करने हैं, ट्रेनिंग लेनी है, हाथ में एक बैग होना चाहिए और लोगों से मिलने की डिजायर होना चाहिए। अगर ये काम आप 3 महीने में समझ जाते हैं, तो आपका सफल होना गारंटेड है। मुझे लग रहा है आप ताली बजाना चाह रहे हैं। 10 सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड, समय की समाप्ति। अगली स्लाइड पे चलेंगे हम। ध्यान से देखिए, गो पैशनेटली। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपको लोग ना कहेंगे, ना कहेंगे, ना कहेंगे, लेकिन आप याद रखें, जब आपको सुबह टेलीफोन पे, सुबह मोबाइल पे कॉल आता है और वो लड़की कुछ कहती है, टेलीकॉलर, लोन चाहिए, पॉलिसी चाहिए, आप उनको कहते हैं बकवास, बंद करो, फोन रखो, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती है। बताऊं क्यों? मैं ट्रेनर हूं, मैं सारी इंडस्ट्री के बारे में जानता हूं। क्योंकि आपके ना कहने पर भी उसको कमीशन मिलता है, उसको टारगेट दिया जाता है। अगर 10 लोग ना कहेंगे तो आज 50 रुपए की कमीशन है, और अगर 10 में से 10वां हां कर दे तो भी कमीशन है। जितने लोग आपको ना कहें, वो सब आपके पे आउट में कंट्रीब्यूट करेंगे जिस दिन आपका पे आउट बड़ा आने वाला है। तो जब कोई आपको ना कहे, उससे गले मिले, पप्पियां दें, जफ्फियां दें, और उससे कहें मेरे लाल, मेरे काले, मेरे हरे, मेरे पीले, मैं तेरी ना से दुखी नहीं हूं, जल्दी मुलाकात होगी। और मेरी नजर में, दोस्तों, मैं शहर में 91 में आया था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी, मेरी 20 साल उम्र थी तब। मैं पालिका बाजार में हैंगर लगाता था, सीलमपुर की गलियों में चाय की पत्ती बेचता था। जब मेरे जैसा व्यक्ति वहां से यहां आ सकता है, तो आप तो और आगे जा सकते हो। मुझे भी लोगों ने ना बोला, मुझे भी लोगों ने बाहर निकाला, मुझे भी लोगों ने तिरस्कार किया, लेकिन मेरी अपलाइन, जिसको मैं भगवान समझता हूं रियल में, उसने मुझे कहा, राजेश भाई, हर ना के अंदर हां छुपा हुआ है, कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि ना तब तक ना नहीं है जब तक कोई व्यक्ति आपको ये ना कह दे, इस कंपनी का, इस प्लान का प्रोडक्ट, ये कंपनी, ये प्लान, ये प्रोडक्ट लेके अगली बार आए तो मैं तेरे गाल पे थप्पड़ मारूंगा, तब तक हां है। पैशन, पैशन का मतलब है हर सुबह नए जोश के साथ उठना, हर सुबह नई एनर्जी के साथ उठना। अगर कोई पीछे से मोटिवेट ना करे, तो खुद को लात मार के मोटिवेट करना। हर दिन आपको मोटिवेटर नहीं मिलेगा, हर दिन आपको ट्रेनर नहीं मिलेगा, आपको खुद मोटिवेटर बनना पड़ेगा, आपको खुद ट्रेनर बनना पड़ेगा। और इंसान मोटिवेट 2 सिचुएशन में होता है। पहली सिचुएशन, किसी चीज को पाने की खुशी, किसी चीज को पाने का ड्रीम, किसी चीज को पाने की तमन्ना, और दूसरी चीज, किसी चीज को खोने का गम, किसी चीज को खोने की डर। ये आपको मोटिवेट करता है। मुझे मोटिवेट पाने की खुशी नहीं किया था, खोने के डर ने मोटिवेट किया था। मेरे पिताजी को लंग कैंसर था, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा था, हर वीक 5,000 रुपए की मुझे जरूरत थी। मैं सुबह 6 बजे निकलता दिल्ली की सड़कों पे, रात के 11 बजे घर आता, क्योंकि मेरे पास हुनर नहीं था। लेकिन मैंने सीखा है, हुनर वाले फेल हो जाते हैं, हौसले वाले आगे निकल जाते हैं।